हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाएंगे, जिसको आप रख के आराम से 6 महीने तक यूज कर सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल ट्रेडिशनल ठंडाई की तरह ही होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बनाना। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो चीनी वेट करके किनारे कर लिए रख दिए, और इसमें 25-30 इलायची है, छोटी इलायची हरी वाली, इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के इसको बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे, सूखा ही सूखा। देखिए, हमारी इलायची पिस गई है, इसको हम एक छन्नी में डालते हैं और इसको छान लेंगे, क्योंकि बारीक पीसी है, और जो भी थोड़ा बहुत इसका इलायची का छिलका होगा वो हम फेंकेंगे नहीं, उसको साइड में रख लेंगे। जब भी आप चाय बनाइए या उसमें डाल के हम यूज कर सकते हैं, तो इलायची का पूरा फ्लेवर चाय में आएगा। अब हमने 75 ग्राम सौंफ ली है, मोटी वाली सौंफ है, इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें भी थोड़ी सी चीनी डालेंगे और चीनी के साथ इसको भी खूब बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमारी सौंफ भी बिल्कुल बारीक पीस गई है, चीनी डालने के कारण ये बारीक पीसी है। अगर हम खाली सौंफ पीसते तो वो बारीक नहीं पीसती, और इसको हम छान लेंगे। अगर छानने पे थोड़ा बहुत बचता है तो इसको फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और एक बार फिर पीस लेंगे, और फिर जो मोटा बचेगा उसको फेंकेंगे नहीं, उसको रख देंगे, फिर हम भिगो के इसको यूज़ कर लेंगे बाद में ठंडाई में। देखिए, सौंफ छान ली है और इतनी फिर से मोटी मोटी बची है, इसको हम फिर से मिक्सी के जार में डाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के इसको फिर से पीस लेंगे, और ऐसा हम जब तक सौंफ बिल्कुल महीन नहीं पिस जाएगी तब तक करेंगे। अब इसको हम फिर से छान लेते हैं, और जो भी मोटा मोटा बचेगा उसको हम अलग बाउल में निकाल के रख लेंगे, और जब भी हम भीगी हुई ठंडाई बनाएंगे तो उसमें हम यूज़ कर लेंगे सौंफ को, भिगो के फिर पीस लेंगे तो पिस जाएगी। अब हमने 50 ग्राम पिस्ता लिया है, इसको भी हम जार में डाल देते हैं और थोड़ी सी चीनी डाल के इसको भी बारीक पीस लेते हैं। देखिए, अब हमारा पिस्ता भी पिस गया है, इसको भी हम छान लेते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा मोटा मोटा वो हम फिर से जार में डाल के पीसेंगे। अब इसमें हमने 50 ग्राम तरबूज के बीज लिए हैं, वो हम डाल देंगे, और इसके साथ हम 3 छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर है वो डाल रहे हैं, इसकी जगह आप साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसमें भी थोड़ी सी चीनी डाल के हम इसको पीसेंगे। काली मिर्च का फ्लेवर ठंडाई में बहुत अच्छा आता है, बहुत ही ट्रेडिशनल हमारी ठंडाई बन के तैयार होगी। देखिए, अब हमारा तरबूज का बीज और काली मिर्च भी पिस गई है, इसको भी हम छान लेते हैं। काली मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और तरबूज के बीज से हमारे ठंडाई में गाढ़ापन आएगा। देखिए, हमने इसको भी छान लिया है, और जो बचेगा हम उसको फिर से जार में डाल देते हैं। हमने 100 ग्राम टुकड़े वाले काजू लिए हैं, इसको भी जार में डाल देते हैं और चीनी डाल के इसको भी बारीक पीसेंगे। और काजू पीसते समय हम मिक्सी बस 2-2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, ऐसा करके हम काजू पीसेंगे, नहीं तो काजू ऑयल छोड़ देगा। देखिए, अब हमारा काजू भी पिस गया है और इसको भी हम छान लेते हैं। अब हम बादाम पीस लेंगे, पहले हम जार में थोड़ी सी चीनी डालेंगे, और ये हमने 125 ग्राम बादाम लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके बादाम डालेंगे, फिर इसके ऊपर हम चीनी डाल के इसको बारीक पीस लेंगे, इसको भी हम छान लेते हैं। ठीक है, हमारी मेवा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही है, जरा से भी नहीं निकल रहा है, सब छन के नीचे जा रहा है, फिर दोबारा दूसरी मेवा के साथ वो पिस जाता है जो बचता है।
तो हमारी कहीं से भी वेस्टेज नहीं है मेवा में। देखिए अब हमारा बादाम भी छन गया है, बस इतना सा छिलका टाइप का बचा है वो हम किनारे रख देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि सारी मेवा हमारी मिक्स हो जाए आपस में। और ये इतनी इजी पड़ती है, यानी ठंडाई बना के आपने रख ली और जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है आपने तुरंत ठंडाई को दूध में, ठंडे दूध में घोला और फेंट के दे दिया, लोग आपकी तारीफ करेंगे कि अरे इतनी जल्दी ठंडाई बन गई, किसी को विश्वास भी नहीं होगा। ये बाजार की ठंडाई से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस ठंडाई पाउडर को हम एक बार फिर से छान लेते हैं कि हमारी जो मेवा है आपस में बहुत अच्छे से बिल्कुल बराबर से मिल जाए। देखिए हमारा इंस्टेंट ठंडाई पाउडर बिल्कुल रेडी है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के आराम से 6 से 8 महीना तक फ्रिज में रख के इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब इस ठंडाई पाउडर से हम आपको ठंडाई भी बना के दिखाते हैं। 200 ml दूध में 2 से 2.5 चम्मच ये पाउडर डाला जाता है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर वाले दूध में हम इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप तुरंत भी बना सकते हैं, भिगोने की भी जरूरत नहीं है। भिगोने से क्या होता है, मेवा हमारी अच्छे से फूल जाएगी तो हमारी ठंडाई में और अच्छा स्वाद आएगा। अब देखिए हमारे आधा घंटे हो गए हैं और हमारी ठंडाई भी अच्छे से भीग गई है। कितना सुंदर कलर आया है, सौंफ का, पिस्ते का हरा रंग उभर आया है। अब इससे हम ठंडाई बनाते हैं। अगर आप चाहें तो बिना भिगोए भी इसको पी सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फटाफट दूध के साथ मिक्स करिए और फेंट के दे दीजिए, सर्व कर दीजिए। और हमने 2 ग्लास बना रहे हैं तो हमने 400 ml दूध इसमें हम मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और इसको फेंट लेंगे। देखिए हमारी ठंडाई सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको आप मिट्टी के ग्लास में है, कांच के ग्लास में, किसी भी ग्लास में आप इसको सर्व करिए। देखिए हमारी ठंडाई बिल्कुल रेडी है, इसको पी के तो आप बिल्कुल मस्त हो जाएंगे और ये सॉन्ग जरूर गाएंगे, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर की प्याला तेरे नाम का पिया। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप जरा सा भी नहीं बहकेंगे। 1 के 2, 2 के 4 आपको नहीं दिखेंगे, आपको टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आप फिर से इसको बना के पियेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ठंडाई की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आप हमको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।